आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रखा है, इसलिए मैं और ज़्यादा खुश दिख रही हूँ वीडियो में। थोड़ी सी राहत मिल रही है हमें गर्मी से, जैसा कि मौसम हमें बता रहा है। बट एनी विच वेज, कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आई गॉट सम रियली क्यूट मेकअप फ्रॉम मिनिसो दुबई, स्पेशली फ्रॉम मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो जब मैं दुबई में थी तो ऐसे ही हम चले गए थे थोड़ा सा यू नो टाइम पास करने के लिए मॉल में, एंड वहाँ पे मेरे को मिनिसो दिखा। एंड मिनिसो ना, मैं बता रही हूँ, एक ऐसी मैजिकल जगह है ना कि मतलब तुम्हें लगेगा कि अभी तुम मिनिसो स्टोर के बाहर हो एंड एक सेकंड बाद तुम उसके अंदर हो। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम उसके अंदर कब पहुंच गए। तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ही क्यूट स्टफ होता है, लेकिन इस बार मुझे उनका मेकअप ट्राई करना था क्योंकि मैंने उनका मेकअप कभी भी ट्राई नहीं किया है। एंड एज यू कैन सी, आई हैव लाइक अ फुल किट ऑफ मेकअप प्लस थोड़े प्रोडक्ट्स और बाहर भी रखे क्योंकि वो इस किट में नहीं आ पाए। तो एक एक करके हम इन्हें ट्राई करेंगे एंड सी कि वो क्यूट लगेंगे भी या नहीं मेरे ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी मेकअप किट दिखा दिया, बट मुझे पूरा प्रॉपर दिखा रहा है क्योंकि लाइक है भाई, मेरे शौक है, मुझे पूरे करने दो। ओके, दिस इज द मिनिसो मेकअप, नहीं ओके आई कैन नॉट डू दैट। तो ये है मेरे प्यारे दर्शकों मेकअप किट, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, बट हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे हमने नहीं देखी है। एंड इसमें थोड़े से और मेकअप प्रोडक्ट्स हैं प्लस ह्यूज बिल। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, ख़त्म हो जा प्लीज़। तो शुरू करते हुए सबसे पहले है हमारे पास प्राइमर, एंड एज यू कैन सी सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ओपन नहीं हुए हैं अभी, सब कुछ ओरिजिनल पैकेजिंग में पैक्ड है। हम साथ में खोलेंगे बिकॉज वी आर फैमिली दैट वे। तो ये मुझे मेरे पास बिल है, ये मुझे अराउंड 226 रुपीस का पड़ा है, क्वाइट नाइस अफोर्डेबल। ओके, इसे ट्राई करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है एक कलर मी ब्राइटनिंग स्मूथ प्राइमर इन शेड 1 हाइड्रेटिंग। देयर यू हैव इट। It's not opening. They don't want me to open this. हल्का सा भी नहीं खुल रहा, मैंने help. I can't. Okay, I just realized we are strong, independent women and we don't need anyone's help. Okay? This is so soft, but हमें इसका कुछ नहीं करना, ये हमारे कोई काम नहीं आने वाला। Important thing is this. Woohoo! So nice. बड़ा ही sleek सा है ये. Okay, let's open it. ओके, ये ऐसे लाइक बहुत ही लाइट बेबी पिंक टेक्सचर में, आई डोंट नो ये कैमरा में शायद वाइट लगे। वैसे मैंने वहाँ पे टेस्ट किए थे हैंड पे प्रोडक्ट्स एज अ टेस्टर जो पे वहाँ पे यू नो अवेलेबल थे, बट अभी फेस पे ट्राई करते हैं। हम एक शाइनी मस्त अंडा बन के दिखाएंगे अभी, तुम रुको अभी, बाय द एंड ऑफ इट मैं लुकू। समटाइम्स माई माइंड इज स्पीकिंग एंड माई माउथ जस्ट डजंट पुट आउट द वर्ड्स टुगेदर एंड वो निकल ही नहीं आते बाहर, बट तुम समझो मेरी दिल की बात। ओके, वाइट कर दिया है, ब्राइट कर दिया है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल स्किन कलर है एंड ये प्राइम्ड अप वाला स्किन कलर है। ओके, पूरे बिट लगा के देखते हैं। आई एम अ बिट स्केर्ड एंड स्केप्टिकल अबाउट दिस, क्या पता एब्जॉर्ब होने के बाद सही लगे, वी डोंट नो। ऑल्सो अभी मुझे शायद कॉमेंट्स आने वाले कि मैं गलत तरीके से प्राइमर लगा रही हूँ, आई डोंट केयर क्योंकि मुझे यही आता है। हेयर बैंड गैंग इज हेयर। ओके, इससे कुछ नहीं हुआ, वेट। ओके, हमारा प्राइम हो गया है फेस एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग द फिनिश। ज़्यादा स्टिकी नहीं है, वैसे हल्का सा है, बट लाइक नॉट टू मच। तो ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पाउडर। इनके पास कोई भी कंसीलर या फिर फाउंडेशन या सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई इवन आस्क देम, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम सिर्फ वही चीज़ें ट्राई करेंगे जो भी उनके पास थी, एंड आई एक्चुअली गॉट एवरी थिंग राइट। तो हम वो वाला पार्ट स्किप कर देंगे, विल जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन टू द पाउडर। तो मेरे पास है ओके कलर मी लूज सेटिंग पाउडर इन कलर मी पॉड्रे लिब्रे। ये मुझे अराउंड 267 रुपीज़ का पड़ा। आई एम जेन्युइनली इंप्रेस्ड बाय द प्राइजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड काफ़ी ना ये कॉम्पैक्ट से प्रोडक्ट्स भी है, लाइक ट्रैवल फ्रेंडली टाइप्स है, कहीं भी उठा के नहीं ले जाओ। हाँ, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, खुल जाओ। ओके, ये शेड नंबर 2 है, जस्ट इन केस जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। इसे जल्दी से खोलते हैं, ये एक ही अटेम्प्ट में। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत ही मैट फिनिश है इसकी। ओके, मैं इसे फेस पेंट लगा सकती हूँ और मैंने इसे गंदा कर दिया। बारिश रुक गई है, सब बाहर आ गए हैं। ओके, हाय गाइस, हमारी रौनक की डिबिया खुल चुकी है एंड इसके अंदर हमारे पास स्पॉन्ज है, बहुत ही सॉफ्ट, एंड इसको खोलना है हमें यहाँ पे। बहुत ही ईजिली खुल गया। ओके, दिस इज ईजी। यूजली जब लूज पाउडर्स होते हैं ना, उनको यूज़ करना बहुत ही टफ होता है। तो ये रहा हमारा स्पॉन्ज, एंड इसको बस यहाँ पे प्रेस करना है। इसके नीचे सारा पाउडर है, लेकिन इसके ऊपर यू जस्ट प्रेस इट एंड वो आ जाएगा लाइक दिस। ओके, देखते हैं कि जो भी ये मेरी स्किन ऑयली या फिर ग्लो कर रही है उसको ये टैकल कर पाएगा। वाओ, किया इसने। ओके, वेट, लेट मी अप्लाई लिटिल बिट मोर।
थैंक गॉड ये ज़्यादा वाइट नहीं कर रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था इस बात का. कैन यू सी यहाँ पे कितनी ऑयलीनेस है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैट फिनिश आ गया है. ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एवरीडे नेचुरल मेकअप नहीं होता उनके लिए ये वाले प्रोडक्ट्स मुझे फिलहाल अच्छे लग रहे हैं. आगे देखते हैं. ओके पूरा फेस पाउडर कर लेते हैं. इनमें कोई खुशबू भी नहीं है. दीज आर लाइक ऑर्डरलेस प्रोडक्ट्स विच आई एम ओके एंड वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरे दिन फिर उन्हीं की स्मेल आती रहती है. ऐसा लगता है कि कोई स्मेल ना ही आए तो ही अच्छा है. मेरे को लिटरली तो पसीने आ रहे थे ना, मेरे को इतना फ्रेश फील हो रहा है एकदम से. गुड जॉब यू टाइनी लिटिल प्रोडक्ट, आई लाइक यू. ओ माय गॉड आई लुक सो फ्रेश, लिटरली ऐसा लग रहा है नहाकर आई हूँ मैं. दिस इज अमेजिंग यार. एंड मुझे एक बात ना ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि अच्छी बात है इन्होंने लाइक फाउंडेशन या कंसीलर या सीसी क्रीम कुछ नहीं दे रखा. क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने प्राइमर के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया ना, इसकी वजह से जो मेरे नेचुरल फ्रेकल्स वगैरह है ना वो दिख रहे हैं. तो ऐसा नहीं लग रहा कि ना मैंने फेस पे कुछ लगा रखा है, लाइक एक्चुअली रियल स्किन निकल कर आ रही है. एंड दैट्स नाइस, आई मीन गुड जॉब. मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास 3-in-1 पेंसिल, जिसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा एक आईलाइनर, एक आईब्रो पेंसिल और एक आईब्रो ब्रश. और ये मुझे पड़ा है, ओके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिख नहीं रहा है, अराउंड 334 रुपीज का. यस सो नाइस एंड गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं यार. एंड वैसे भी ना इतनी छोटी चीज़ें होती है, लाइनर अलग से लेना एंड यू नो ये वाली चीज़ें गुम हो जाती है इधर उधर. और अगर एक ही प्रोडक्ट में है ना, आई एम काइंड ऑफ यू नो लाइक ओके विद द, ओके मैंने तोड़ दिया. इस वाले की पैकेजिंग ना थोड़ी सी ज़्यादा शार्प है, कंसिडरिंग मैंने उसे तोड़ भी दिया है. जादू, इतने से प्रोडक्ट के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है ना, बाय बाय. जल्दी से अपनी आईब्रोज फिल कर लेते हैं. ये रही है, डार्क ब्राउन कलर में है. ओके जस्ट रैंडम स्ट्रोक्स जस्ट टू फिल इट इन. मैं पहले हमेशा अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ एंड देन आई ब्रश इट, दैट्स माय वाइब. कैन यू सी द डिफरेंस, काफ़ी नेचुरल और मिनिमल लग रहा है. इट्स नाइस, गुड जॉब. मैं सारे प्रोडक्ट्स को ऐसे गुड जॉब बोल रही हूँ जैसे पता नहीं लाइक वॉट इज हैपनिंग. इस गैप को फिल करेंगे, वेयर डन. ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है तो मुझे बहुत ही लाइट हैंड से यू नो स्ट्रोक्स देने पड़ रहे हैं ताकि वो डार्क ना लगे. ओके अब इसे ब्रश करते हैं. आईलाइनर अभी मुझे ब्रश करना है. ये रहा, कितना क्यूट सा है. ऑल्सो इतना छोटा सा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक सेकेंड ये इतनी सी पेंसिल है सिर्फ, तो काफ़ी कम प्रोडक्ट है बट इतने प्राइस में आई गेस इतना ही मिलेगा. नो मैटर कितनी ही आई लाइनर बनाने में मैं प्रो हूँ, बट कैमरे में डायरेक्ट लाइव बनाना इज़ अ बिट टफ. तो पहले मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड एक ही बारी में वो लग गया था. ओके लेट्स ट्राई. सांस रोकनी पड़ती है यार लिटरली. ऐसे चुप नहीं हो गया सब कुछ, तुम बोल सकते हो, इट्स ओके. इतनी गंदी लाइन बनाई है ना मैंने, मैं आ रही हूँ मिरर में बना के, रुको एक सेकेंड. ओके हमारा आईलाइनर डन हो गया है एंड मैं हैप्पी इसलिए नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि आई शेडो लगाते हैं सोनिया पहले. ये तो सबको पता है, हाउ डम कैन यू बी, बट इट्स ओके. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब मैं ये डेली बेसिस पे करती हूँ, जब मैं अपने शूट के लिए भी रेडी हो जाती हूँ, ये सब मेरे साथ होता रहता है. तो आई गेस ये मेरा स्टेप है आई लाइनर के बाद आई शेडो लगाना. तो आई शो यू हाउ आई डू दैट. ओके सो ये है मेरे पास कलर मी रोजी मोव वाली पैलेट. मैंने बहुत ही टाइनी क्यूट सी है, अगेन तुम इसे कहीं भी उठा के लेके जा सकते हो. ये मुझे पड़ी है एक सेकेंड 267 रुपीज़ की, क्वाइट अफोर्डेबल राइट. ओके इसे ओपन करते हैं. इस बार फॉर अ चेंज मैंने मेकअप के साथ आई शेडो ब्रशेस भी लिए हैं एंड ये मेरे को पड़े हैं. दे डिडंट चार्ज मी फॉर दिस, सो स्वीट, थैंक यू मिनिस्टर दुबई, वेरी काइंड ऑफ यू. ओ माय गॉड लाइक लिटरली दे डिडंट चार्ज मी फॉर दिस, वाओ. लॉटरी लगे तो ऐसे लगे वरना ना लगे. अभी मैं इतना खुश चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही हूँ ना मुझे फ्री में मिले हैं ब्रशेस. अगली बार मैं जाऊँगी कहेंगे तुम वही हो ना, इधर आओ हमारे पैसे वापस दो इंटरेस्ट के साथ. एनी विच वेज ये है हमारे चार शेड्स, बहुत ही लाइक न्यूट्रल मिनिमल और एक थोड़ा ग्लिटरी वाला भी है. ओके नाउ ओके तो जो मैं करती हूँ मैं बस वो बता रही हूँ. तो जो भी ब्राउन शेड होता है ना उसको हल्का सा लेके आई जस्ट पुट इट हियर ताकि मेरे को ना काजल ना लगाना पड़े, बिकॉज आई एम ओवर काजल. लाइक पहले ऐसा होता था कि मैं काजल के बिना रह नहीं सकती थी, बट नाउ आई एम अ बिग गर्ल ना, आई डोंट नीड काजल, आई एम ओके विद माय बैग्स. यहाँ पर भी लगा देते हैं. ऑल्सो ये ब्रश काफ़ी सॉफ्ट है,
काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही हल्का सा लाइक मिनिमल। उसके बाद जो ये डार्क ब्राउन वाला शेड है ना, ओके वी डोंट नीड दिस ब्रश, थोड़ा सा फ्लफी वाला ब्रश लेंगे, आई डोंट नो द नेम्स, फ्लफी वाला ब्रश लेंगे, ब्रश लेंगे एंड आउटर कॉर्नर्स पे डेफिनेशन देंगे लाइक दिस। तो बहुत इजी है, इवन दो अगर कुछ मिस्टेक हो गई है, पहले हमने आईलाइनर लगा भी लिया तो उसके ऊपर भी वी कैन डू दिस थिंग। वाओ, बहुत ही मज़ा आ रहा है, इट्स वेरी सॉफ्ट प्लस पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी, आई लव द कलर, सो नाइस लाइक दिस, ऑलरेडी इतनी मस्त डेफिनेशन आ गई है ना, लव इट। अब इसमें ये वाला थोड़ा डार्कर शेड दे रखा है तो हम इसे लगा ही लेते हैं, वाई नॉट। मैं बस हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करूँगी लाइक दिस, वो नाइस। आई एम लविंग द फैक्ट कि पिगमेंटेड कलर्स है, बट इतने भी नहीं कि लगाते एकदम डार्क डार्क हो जाए, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं परफेक्टली एक दूसरे के अंदर, लव इट। यप, वी आर डन, वाओ प्रिटी। देन हम जो ये वाला शिमरी कलर है उसको हम इनर कॉर्नर्स में लगाएंगे। मेरी आवाज़ चली गई, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई इतनी शाइन देख के। ओके इधर भी, बट ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा अभी ग्लो करने लग जाऊँगी ना इतने पसीने में, तो आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है, बट आई लव ग्लोइंग। थोड़ा सा यहाँ पे भी लगाते हैं। हमारे पास शेडिंग पाउडर भी है, मतलब ब्रॉन्जर, वहाँ पे सब इसको शेडिंग पाउडर कह रहे थे, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई थी। एंड ये है फ्रूटी सोडा, एंड इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, एंड ये भी मुझे 267 रुपीज़ का पड़ा है। मोस्टली प्रोडक्ट सिमिलर प्राइजेस के हैं, सो या वाओ, हम इससे करेंगे कंटूरिंग। ओके अगेन नो स्मेल विच इज़ गुड, हल्का सा लेंगे। ओके बहुत ही ज़्यादा फॉल हो रहा है, लेट्स डू इट। ओके ये बहुत ही ज़्यादा लाइक हल्का है विच इज़ गुड, क्योंकि इतना ही चाहिए होता है, ऐसे नहीं लगना चाहिए ना कि ऐसे अलग से कुछ कर रखा है। ओके गुड 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 गुड, थोड़ा सा यहाँ पर भी, जब एक चीज़ वर्क करने लग जाती है ना मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ एंड आई जस्ट गो ओवरबोर्ड विद इट, बट इट्स ओके दैट्स द वाइब। आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि ये सारे ना प्रोडक्ट समर के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बहुत ही ऐसे हल्के लग रहे हैं फेस पे, ऐसे हैवी हैवी फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी, दैट्स नाइस। और सो मेरा पसीना वापस आ रहा है फेस पे, मुझे पाउडर करना पड़ेगा, एंड में कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट इज ब्लश, 334 रुपीज़ अगेन, और ये है ग्रेडियंट ब्लश कलमी इन शेड कोरल, वन कोरल। ओके पहले इंडिया पे भी मिनीसो पे मेकअप प्रोडक्ट्स आते थे ना, आई गेस अब उन्होंने डिसकॉन्टिन्यू कर दिया, अब उनके पास से वैसे लाइक परफ्यूम्स और वाइप्स और ये वाली सारी चीज़ें, नेल पेंट्स एंड ऑल, बट मेकअप नहीं है उनके पास। ओके इसमें तीन शेड्स हैं ब्लश के, वाओ। ओके ये हटाना पड़ेगा, आराम से आराम से। ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, फील्स लाइक ओशन सनसेट। ओके मैं सारा ही ले रही हूँ बिकॉज नो रीज़न। ओके लेट्स अप्लाई इट। ओके नाइस वॉर्म, हल्का सा ये कोरली पीची कलर भी दे रहा है विच आई पर्सनली लव वेरी मच। मुझे लगता है कि वो मेरे स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर वो नहीं भी लगता ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा वो कलर एक खुद में बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके यहाँ पे भी लगाते हैं, दिस इज़ सो नाइस लाइक समर्स के लिए सो मच अप्रोप्रिएट, आई एम टेलिंग यू, यस लव इट। और थोड़ा नोज पे भी, दैट्स इम्पॉर्टेंट, मुझे और चाहिए। आई लव ब्लश, आई गो क्रेजी विद ब्लशेज, अगर तुमने मेरी पुरानी मेकअप वीडियोज़ देखी हैं तो मत देखना, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ब्लश लगाया हुआ, दैट्स वेरी एम्बेरसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास हाईलाइटर, और ऐसा वैसा हाईलाइटर नहीं, लिक्विड हाईलाइटर, पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज़ करते, बट विल फिगर इट आउट। साथ में ये शेड नंबर वन में है, इसके दो शेड्स हैं आई गेस, मैंने ये वाला चूज़ किया, प्रिटी सो 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 क्यूट। बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करते हैं लाइक डॉट्स, वाओ। मैं डर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये लाइक लगा के कैसा लगेगा, आई एम गोना ब्लेंड दिस विद फिंगर ओनली। भाई साहब ये कितना ज्यादा सही है, दिस लुक्स सो नाइस। मैंने हमेशा से पाउडर वाले यूज कर रहे हैं, एंड मैं बता रही हूँ ये लिक्विड वाला इज बेटर, क्योंकि ये लगाते ही पता चल रहा है कि ब्लेंड हो गया, ऐसा नहीं लग रहा कि लाइक अलग से स्किन पे एक लेयर लगी हुई है, क्योंकि पाउडर वाले में ऐसा लगता है। शाड़ा अभी बारिश खत्म हो गई ना, सब बाहर आ गए, शोर भी बढ़ गया, बट कोई बात नहीं। ओके लिप्स पे आई डोंट नो हाउ टू डू,
सो यमी, मतलब टेस्ट में नहीं दिखने. ओके, इसे ब्लेंड करना भी बहुत ही ईजी है. आई गेस फोरहेड पे ज़्यादा हो गया. ओके, नाउ आई एम अ ग्लोइंग अंडा, लाइक कॉन्टोर्ड शेप वाला अंडा, एंड आई एम लाइकिंग इट. रुको, अभी और भी चीज़ें हैं. आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स फॉर यू टुडे, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नेक्स्ट है मेरे पास मस्कारा, ये है इनका डबल हेड मस्कारा. ये लेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, लाइक बड़े आई लैशेज देने के लिए. उनके पास काफ़ी डिफरेंट वेराइटी थी, लाइक कुछ वॉल्यूम के लिए थे, कुछ लेंथ के लिए थे, और एक और था वो मुझे याद नहीं आ रहा है. तो मैंने लेंथ वाला लिया है क्योंकि आई लाइक कि वो ऐसे लंबे लंबे दिखते. ओह, उसे बाबी वाली फील्स आती है, लव इट. ओके, इसमें दो क्यों दे रखे हैं ये? वेट, ये लोअर लैश के लिए है, पतला है क्योंकि वो वॉन्ड. एंड दिस साइड, या दिस इज़ फॉर अपर लैशेज. ये मेरे को पड़ा है 334 रुपीज़ का. ऑल राइटी, लेट्स डू इट. ओके, अभी देखते हैं कि क्या ये मेरे को लंबे लैशेज दे पाएगा. ये बहुत हल्का है, लाइक लिटरली मेरे को मस्कारा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो इतने चिप करते हैं ना. लाइक आई हैव ट्राइड बेस्ट ऑफ द बेस्ट मस्काराज, बट ये मेरे को आई डोंट नो फॉर सम रीज़न काफ़ी अच्छा लगा. बहुत हल्का है एंड बिल्कुल चिपी नहीं कर रहा है इसमें. नाइस, लॉन्ग लैशेज आर हियर, गुड जॉब, इट वर्क. इधर भी लगा लेते हैं थोड़ा सा इसी नाम पे. कैन यू सी द डिफरेंस? वाह, ऐसा लग रहा है आँखें खुल गई हैं एकदम से. ओके, नीचे भी ट्राई कर लेते हैं. आई एम स्केयर्ड क्योंकि हमेशा वो मेरे स्किन पे लग जाता है. इसकी वॉन्ड सच में इन्होंने ऐसा लग रहा है ऐसे इंजीनियर्स वगैरह बिठा के बनवाई है क्योंकि काफ़ी अच्छा है. एंड प्लस मुझे लग रहा है जो ये मेरे बाल ऊपर वाले बच गए हैं ना एंड में, उनको भी आई कैन फिक्स इट. ओ प्लस जो ये बेबी हेयर्स होते हैं ना, ये उड़ रहे हैं जैसे कि, इनको भी हम ऐसे फिक्स कर सकते हैं. ओके, ये अभी नहीं हो रहा है, लेट्स नॉट वेस्ट इट. ओके, लास्ट है हमारे पास लिपस्टिक. यमी, ये है मेरे पास कलर मी मैट लिपस्टिक इन रोज शेड 4. एंड इसका इन्होंने ना प्राइस नहीं लिखा हुआ. ओके, आई एम नॉट लाइंग, लिटरली प्राइस नहीं लिखा हुआ. तो आई गेस ये 300 के अंडर ही होगा क्योंकि सब कुछ अभी 300 और 350 तक का ही था. ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो प्रिटी, मेरे को इसे खराब करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट हम करेंगे. लाइक वेरी नाइस वॉर्म पिंक न्यूड शेड, माई शेड. मुझे ये वाले शेड्स परफेक्ट लगते हैं फॉर एवरी डे यूज, इवन फॉर माई वीडियोज. आई ट्राई टू यू नो इनकॉर्पोरेट दीज काइंड ऑफ शेड्स ऑन माई लिप्स. ओके, लेट्स डू इट. एक ही बार में मस्त लग गया है. नाइस, I am loving this shade. Like ये literally ऐसा लग रहा है मेरे लिए बना है, perfect. And plus ये मैट फिनिश दे रहा है, मतलब दिखने में लग रहा है कि मैट है बट ये बहुत क्रीमी है, which is good क्योंकि मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं लिप्स को. प्लस ये अमेजिंग तो लग ही रहे हैं. ओके, बालों की तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई है. ये मेरा हॉट गर्ल समर बन रहा है यहाँ पे ऐसे फ्रिजीनेस में. ऑल्सो मैंने ये एक मेकअप किट भी ली थी, मेकअप बैग पाउच, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. ये मेरे को 223 रुपीज़ का पड़ा है, काफ़ी सही. एंड इसमें मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स अब रख पाऊँगी क्योंकि वो खुल गए हैं, मैंने पैकेजिंग के साथ इसमें रखे हुए थे तो वो आ गए थे, तो वैसे भी आ ही जाएंगे. मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सो टायर्ड क्योंकि बारिश जब से गई है ना इतनी ह्यूमिडिटी हो गई और सांस बिल्कुल नहीं आ रही है. बट वी आर लुकिंग फ्रेश एंड ग्लोइंग एंड रेडी टू गो आउट. तो तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो एंड द मेकअप लुक? वेरी सिंपल, डूएबल, इजी ब्रीजी. आई गेस जो तुम्हारे पास घर पे भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं ना उसके साथ भी तुम ऐसा वाला मेकअप लुक अचीव कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है, नॉट टू मच, क्योंकि मुझे यही आता है करना. सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. एंड या तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट था हाईलाइटर क्योंकि वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, प्लस ब्रशेस क्योंकि वो फ्री मिले थे, एंड लिपस्टिक, लव इट. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब एंड राइट गुड थिंग्स डाउन बिलो क्योंकि दैट जस्ट मेक्स माई डे. जस्ट किडिंग, नो प्रेशर. बाय, नींबू पानी टाइम. बाय.